महाराष्ट्र में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। पानी की बरसात इतनी तेज हो रही है कि वसई विरार के कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार सड़कें तालाब का रूप धारण कर चुकी हैं। ये सारा का सारा मंजर वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र का है। इस जलभराव के कारण प्राइवेट ऑटो रिक्शा व अन्य वाहन बंद होने के कारण कुछ यात्री पैदल जाने को मजबूर हैं। इस मूसलाधार बारिश से विरार, नालासोपारा, वसई के कई इलाकों में भारी जलभराव से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता दें कि वसई विरार शहर महानगर पालिका विकास का नारा लगाती है और विकास की हकीकत आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। शुरुआती बारिश में जलभराव ने मनपा के विकास की पूरी पोल खोल रही है। वहीं मनपा के नाले सफाई पर खर्च किए करोड़ों रुपए का सबूत दे रहा है। वसई विरार का जलभराव, यहां की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और जलभराव होने के कारण आने जाने वाले नागरिक गिर रहे हैं और जख्मी भी हो रहे हैं। मनपा के विकास का सवाल भी वसई विरार के नागरिकों में बना हुआ है। नालासोपारा पूर्व के सेंट्रल पार्क की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जलजमाव के कारण सड़क के किनारे की दुकानों में पानी भर गया और पानी भरने की वजह से छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया। पांच छह गांवों से सभी ग्राम प्रधान की नेतृत्व में सभी ग्रामीण मेरे पास ये उम्मीद से आए हैं कि मैं इनका अच्छी कृषि के लिए इनका सहयोग करूं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण हैं जिनके पास में गाय, बैल, बकरी है, वो खुले में छोड़ने के कारण इनका खेती क्षतिग्रस्त हो रही है और जिस कारण मैंने इनको फसल उगाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं मैंने इनको सहयोग करूँ और जो ग्रामीण मैंने खुले में जानवरों को छोड़ रहे हैं उनसे निवेदन करूँ कि आप अपने जानवरों को सही से रखें ताकि दूसरों को कुछ भी दिक्कतें ना हो आपकी वजह से, यही थी। और साथ ही साथ में इनका कहना है कि शनिवार तक मोहलत दिया जा रहा है, अगर रविवार से खेती में अगर किसी भी जानवर को पाया जाता है तो ये बांध कर रख देंगे और दंड स्वरूप जो भी जुर्माना लगाएंगे तत्पश्चात ही जानवरों को छोड़ेंगे। हल्दीनगर के आसपास गांव से तीन चार गांव से आए हुए हैं और यहाँ हल्दीनगर पूर्वी मुखिया और हल्दीनगर पश्चिम मुखिया और गंगाडी मुखिया, ये सबसे हम लोग अनुरोध करते हैं, मतलब हम लोग सहयोग मांगते हैं कि कृषि का दिन, हम लोग तो कृषि प्रधान देश है, कृषि में ही हम लोग निर्भर करते हैं और कृषि के चलते हम लोग मैंने बहुत फसल इतना नुकसान हो रहा है, जो कि गैल बैल बकरी हर समय हर महीना हर दिन थोड़ा ही रहता है, दिन रात थोड़ा ही रहता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उन लोगों से सहयोग ले रहे हैं कि कम से कम अपना जानवर को सुरक्षित रखें और एक दूसरे का फसल को नुकसान होने ना दें, यही हम लोग मांग करते हैं। और अगर उसको भी नहीं होगा तो हम लोग बांध के रखेंगे, जो भी जुर्माना होगा हम लोग जुर्माना करेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।